अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरे सब व्यूअर्स? दुआ के आप सब खैरियत से हों, मज़े में हों, खुश हों। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ये क्लिप कुछ दिन पहले का है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था, मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी। तो बस वही कुछ क्लिप मैंने अभी भी ऐड किए हैं इंट्रो में। तो मौसम जो है अच्छा हुआ था, लेकिन कुछ देर के लिए ही नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वैसे ही गर्मी की शिद्दत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मौसम अच्छा है। तो आप सब सुनाएं कैसे हैं, हैरियत से हैं, मज़े में हैं? तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेल्फ केयर एट होम। तो मैं कुछ दिनों से जो है वो लेज़ी हुई भी थी, और बस कुछ एंग्जाइटी और डिप्रेशन में थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा खुद को बूस्ट करते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने खुद को ट्रीट करने की कोशिश की है। तो आप सब भी मेरे साथ रहिए, और मे बी आपकी भी हेल्प हो इससे। और इस मास्क को बनाने के लिए मैंने इसमें एक टाइप बनाना ऐड किया है, और साथ में मैंने इसको ऑलिव ऑयल और एलोवेरा के साथ अच्छे से बीट किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया। और इसको आपने कम से कम भी 40-45 मिनट के लिए अप्लाई करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5-2 घंटा इसको लगा सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम है। तो बस इसको मैंने अप्लाई किया था, और फिर मैंने कहा कि क्यों ना जो काम पेंडिंग हुआ हुआ है उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँ। तो ये कुछ दिन पहले मैंने जो है वो जो सीज़न का एक सबसे मुश्किल काम है वो मैंने किया, जो कि बस एक साइड पे भी हो गया था। तो अभी आज मेरा दिल है कि मैं इसको भी कवर करूं। तो ये मैंने बस सर्दियों के कपड़े वापस रखने थे, और गर्मियों के बाहर निकालने, और कुछ कपड़े जो सीज़न के एंड पे आपको लगता है कि ये नेक्स्ट सीज़न में हमारे काम के नहीं हैं, मतलब किसी का कलर फेड हो गया या किसी तरह से डैमेज हो गए हैं, तो उनको फिर मैंने डिस्कार्ड किया, वो मैं फिर साइड पर कर दिए हैं। और इनको भी फिर मैं निकाल के प्रेस करना था, लेकिन आप कह लें कि 4 से 5 दिन हो गए हैं ये इसी तरह थे। तो आज फिर मैंने कहा क्यों ना मैं इनको भी करूं। और फिर मैं वॉश नहीं करती, ऐसे ही प्रेस कर ली, क्योंकि वॉश तो हमने किए होते हैं और इनको रखते हैं, और इसी तरह अटैची केस में होते हैं, और जो एक ट्रंक की वो आप स्मेल सी कह लें वो नहीं मेरे कपड़ों में होती। और वो इस वजह से कि मैं ऐसा करती हूँ कि जब मैं इनको रखती हूँ तो साथ में मैं किसी भी बॉडी स्प्रे या परफ्यूम की वो बॉटल जो प्रॉपरली खाली भी ना हुई हो लेकिन उसमें थोड़ी सी मिकदार हो, तो वो अगर आप साथ में रख दें तो वो एक अच्छी सी जो है आपके कपड़ों में खुशबू ज़रूर रहती है। तो ये भी आप टिप ज़रूर आजमाइएगा। तो बस फिर मैंने अभी कोशिश की है कपड़े प्रेस करने की, और अभी मैंने कुछ जो है हैंग किए हैं, और कुछ मैं इसी तरह तय करके रख दूँगी, जैसे ज़रूरत होगी तो मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगी। और अभी कुछ 2-3 सूट बाकी रह गए थे, बाकी मैंने कोशिश की है कि मैं इनको कर लूँ, और साथ में मैंने दुपट्टे भी एक हैंगर में कर दिए थे। और ये मैंने अपने होम टाउन से कुर्ता लिया था लोकल मार्केट से, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो ये किसी ब्रांड की रेप्लिका था लेकिन मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है, और इसको आप फॉर्मल ओकेजन पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका ये जो भी मैंने आपको दिखाया है बटन कहीं ना गिर गया था, और मैंने उसको संभाला है, लेकिन वो ऐसा संभाला है कि अभी मुझे नहीं मिल रहा। तो मुझे मिलेगा तो फिर मैं इसको फ़िक्स करूँगी, क्योंकि ऐसे वो अच्छा नहीं लग रहा। तो भी मैंने उसको काफ़ी ढूंढा है, लेकिन पता नहीं मैंने कहीं पे संभाल दिया उसको। तो बस अभी मैंने फिर जो है वो प्रेस वाला काम ख़त्म किया है कपड़ों को। तो मैंने अपनी वार्डरोब जितना हो सके आज मैंने सेट की है। तो जैसे कि आपने टाइटल में भी देखा है कि सेल्फ केयर एट होम है, तो आज का दिन मैंने खुद के लिए रखा था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आप घर में काम करते ही रहते हैं, तो वो मैंने किया। और साथ में भी मैंने फेस मास्क अप्लाई किया है, जिसमें कि मैंने होल व्हीट आटा जो होता है नॉर्मली चक्की का वो, और साथ में मैंने चावल का आटा और एलोवेरा द योगर्ट ऐड किया, जो कि हमारे फेस के लिए अच्छे हैं, जो चीज़ें मुझे सूट करती हैं नेचुरल, तो वो फिर मैं खुद को क्लिनजिंग करने के बाद मैंने अप्लाई कर लिया था। जब ड्राई हुआ तो मैंने उसको वॉश कर लिया, और साथ में मैंने फिर एंड पे हेयर वॉश करने के बाद और रिलैक्स हुई थी कुछ रिफ्रेशमेंट करने के बाद, फिर मैंने कहा कि चलें अगर आज खुद को टाइम दे रहे हैं तो प्रॉपरली दें, और फिर मैंने पेडिक्योर भी कर लिए थे। और इसके लिए भी मैंने नीम गर्म पानी लिया और उसमें ऐड किया शैम्पू, सॉल्ट और बेकिंग पाउडर, और साथ में लेमन आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी इसमें फिर मैंने पाउंड डिप किए हैं तकरीबन
10-15 मिनट, और फिर आपकी वो जो डेड स्किन है वो जब सॉफ्ट हो जाए तो इसी लेमन के पीसेस पे मैंने शुगर लगा के तो अच्छे से स्क्रब कर लिया था, जिससे कि आपकी डेड स्किन जो कि हील वगैरह पे जमा हो जाती है तो उसको मैंने रिमूव कर दिया था। और वॉश करने के बाद फिर मैंने ब्लीच अप्लाई कर ली, और तकरीबन ये भी 30 मिनट लगे होंगे हार्डली मुझे। तो साथ में फिर मैं अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रही थी, तो बस इसी तरह फिर मैंने आज का दिन जो है गुजारा है। तो आपको भी ज़रूर हेल्प हुई होगी, अगर आपका इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो जो है वॉश ब्लीच वॉश करने के बाद फिर मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने ये प्रो फूड का जो है वो रेस्क्यू मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, जो कि काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो ज़रूर बताइएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।